अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज में हमारे पास नंबर फर्स्ट पे है लीनियरिटी, सेकंड पे है कंजुगेशन, थर्ड पे है कंटिन्यूटी, फोर्थ पे है कन्वोल्यूशन, उसके बाद फिफ्थ पे है पार्सेवल आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म की। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी में है लीनियरिटी। लीनियरिटी की सिंपल हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास हम किसी फंक्शन को किसी कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ, देन हम उस फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म को भी सेम उसी कॉन्स्टेंट के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। लीनियर का हमारे पास सिंपल मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। और अगर इसके ग्राफ की हम बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है। अब क्योंकि हम लीनियरिटी को इन सेंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास डेफिनेशन में आएगा कि एफ इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनी टू फंक्शंस f1 एंड f2 विद फूरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ f1 एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म f2 रिस्पेक्टिवली एंड एनी कॉन्स्टेंट c1 एंड c2 वी हैव फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ c1 f1 प्लस c2 f2। यहाँ पे c1 और c2 हमारे पास कॉन्स्टेंट है, जबकि हमारे पास f1 और f2 हमारे पास दो फंक्शंस हैं। मीन्स के जब हमने दो फंक्शंस को ऐड किया और उन पर फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई की, तो देन हमारे पास आया कि c1 फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 प्लस c2 और फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f2। यानी कि हमने कॉन्स्टेंट को ट्रांसफॉर्म से बाहर ले आए हैं और सिंपली फंक्शंस पे क्या कर दिया है, सम की फॉर्म में फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिए। तो ये थी हमारे पास लीनियरिटी इन सेंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है कि कंजुगेशन। कंजुगेशन हमें कम्प्लेक्स एनालिसिस से बताया कि अगर हम किसी फंक्शन का कंजुगेट लें, तो कंजुगेट लेने से हमारे पास फंक्शन के वेरिएबल के दरमियान जो साइन है वो हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि कंजुगेशन की डेफिनेशन सेंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिहाज से कर रहे हैं, तो हमारे पास डेफिनेशन में आएगा कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन विद फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एफ, देन द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ कंजुगेट ऑफ एक्स कम्प्लेक्स कंजुगेट इज गिवन बाय, हमारे पास आएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार ऑफ एक्स। यानी हमारे पास एफ बार ऑफ एक्स हमारे पास कोई कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, जब हम इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आएगा कि सिंपली हमारे पास जो वेरिएबल एक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस ओमेगा में। तो हमारे पास आएगा कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट। यानी हम होल जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म आएगी उसका हम क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो ये थी हमारे पास कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन इन सेंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। अगर हम सिंपल फंक्शन में कंटिन्यूटी की बात करें कि अगर हमारे पास फंक्शन डिफाइंड हो, उसके बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू है वो ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ जाए, तो देन हम कहते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। क्योंकि हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिहाज से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा कि लेट एफ ओ एक्स बी एन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन का मतलब है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास बाउंडेड हो मोड एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन। मीन्स कि अगर हमारे पास इस इंटीग्रल का आंसर लेस देन इन्फिनिटी आ जाए, तो मीन्स कि हमारे पास क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। तो ये चीज़ हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास एफ एक्स बी यानी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन विद फूरियर ट्रांसफॉर्म, देन हम कहेंगे कि हमारे पास जो एफ फील्ड ऑफ ओमेगा इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है कि कन्वोल्यूशन। वी नो द कन्वोल्यूशन ऑफ द फंक्शन एफ एंड जी डिनोटेड बाय एफ
convolution g is defined by f convolution g x equal to integral minus infinity to infinity f of x minus tau g of tau dt. ये हमारे पास इंटीग्रल किस तरह आया कि हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन आपस में कन्वोल्यूट हो रहे हैं तो हमने जो उनका इंटीग्रल लेना है उसमें हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसमें से हमने कोई चीज़ माइनस करनी है, यानी हमने बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करना है. यानी अगर हमारे पास फंक्शन एक्स पे डिफाइंड है तो हमने एक्स नहीं लेना, एक्स माइनस समथिंग लेना है. वो जो हमारे पास समथिंग होगा वही हमारे पास वेरिएबल होगा, हमारे पास जो एक्स है वो वेरिएबल नहीं होगा. सम बुक्स में हमने इसे टी जी ओमेगा एस वगैरह से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ हम इसे जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये हम जस्ट एफ ऑफ एक्स माइनस टी की अभी तक हमने बात की, अब हम बात करेंगे जी ऑफ टी की. तो यहाँ पे हम जी एक्स की प्लेस पे जी में भी यही टा ही पुट करेंगे, यानी कि जी का जो जवाब हमारे पास एक्स पे आ रहा है वही हमारे पास जो जी का जवाब है टा पे भी आ रहा है. बिकॉज अगर हमारे पास एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो जो हमारे पास टा है वो भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी काउंट होगा. यानी कि हम समझ लें कि अगर हमारे पास एफ की डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो हमारे पास जी की डोमेन भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी. और हमारे पास जो इंटेग्रल है वो हमने विद रिस्पेक्ट टू टा लेना है, एक्स नहीं लेना, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल टा है एक्स नहीं. तो ये दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन. प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एक्सिस्ट्स फॉर ईच एक्स इफ एफ इज़ बाउंडेड एंड जी इज़ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. यानी फंक्शन एफ हमारे पास बाउंडेड हो और हमारे पास जो फंक्शन जी है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, दैट हमारे पास एफ फिल्टा ऑफ ओमेगा एंड जी फिल्टा ऑफ ओमेगा बी द फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ एंड जी रिस्पेक्टिवली, देन हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ कन्वोल्यूशन जी इक्वल होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ. फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी इक्वल है फिल्टा एफ ओमेगा फिल्टा जी ऑफ ओमेगा. नोट में हमारे पास है कि इन जनरल हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स वो डज नॉट इक्वल होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी के. अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है पार्सेवल्स आइडेंटिटी. तो पार्सेवल्स आइडेंटिटी की डेफिनेशन में है कि फॉर एनी टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स विद फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फिल्टा एफ ऑफ ओमेगा एंड फिल्टा जी ऑफ ओमेगा रिस्पेक्टिवली, देन हमारे पास जो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉन्जुगेट जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फिल्टा एफ ऑफ ओमेगा फिल्टा जी ऑफ ओमेगा कॉन्जुगेट डी ओमेगा. सिंपली हमने इस पे क्या किया, हमारे पास इंटीग्रल में हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन था और हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था. हमने जब इस पे पार्सेवल आइडेंटिटी अप्लाई की तो हमारे पास इसका आंसर किस में चला गया, हमारे पास कि इस पे हमने कॉन्जुगेट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है जी ऑफ एक्स वो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म के कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास जो एक्स है वो हमारे पास ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा. इन पार्टिकुलर हमारे पास जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल है उसमें हमारे पास जो मोर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स है वो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मोर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा. यानी कि अगर हमारे पास सिंपल फंक्शन हो मोर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर तो जब हम इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा मोर फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा में. तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है. तो फंक्शन हमारे पास क्या है, क्रैटिटिक्स फंक्शन. क्रैटिटिक्स फंक्शन है कि एक्स ऑफ क्लोज इन डबल माइनस ए टू ए इक्वल है. हमारे पास एक्स वन कब होगा, जब हमारे पास एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इन डबल माइनस ए टू ए. और हमारे पास जीरो कब होगा, जब हमारे पास एक्स डज नॉट बिलोंग टू माइनस ए टू ए, मीन्स कि हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है.
जिसमें हमारे पास आंसर वन तब होगा जब हमारे पास एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए, और हमारे पास जीरो कब होगा जब हमारे पास एक्स डज नॉट बिलोंग करेगा माइनस ए टू ए। यही फंक्शन की अगर हम डोमेन की बात करें तो हमारे पास जो चाई फंक्शन है उसकी हमारे पास डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर। चाई फंक्शन की हमारे पास कोडोमेन क्या होती है, इंटीग्रल सेट 0 to 1। यानी कि हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल क्लोज इंटरवल ए और बी में हमारे पास ये डिफाइंड होता है। यानी कि अगर हम कोई सब एक सबसेट ले लें आर का तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग ये हमारे पास डिफाइंड होगा। तो अब क्योंकि हमने इसे फोरियर ट्रांसफॉर्म शो करवाना है तो बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लिखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। हमने सिंपली डेफिनेशन में क्या किया, एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन पुट करवा दिया है। नेक्स्ट स्टेप में अब क्योंकि हमारे पास जो ये इंटीग्रल वो हमारे पास एक रियल लाइन है, तो रियल लाइन में को हमने क्या किया, 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। उसकी रीज़न आगे चल के आपको पता चलेगी कि हमने ऐसा क्यों किया। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा कि पास आएगा इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल माइनस ए टू पॉजिटिव ए क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। सिंपली क्योंकि हमारे पास डोमेन रियल नंबर थी तो हमने क्या किया, इंटरवल को इंटरवल की हमने क्या कर लिया, पार्टीशन कर लिया है। यानी कि हमारे पास इंटरवल था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेफिनेशन में, तो उसकी हमने पार्टीशन कर ली है। तो अब जो हमारे पास फंक्शन डिवाइंड था वो ये था कि अगर हमारे पास एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1, और अगर हमारे पास जो एक्स है वो डज नॉट बिलोंग करेगा माइनस ए और ए तब हमारे पास आंसर क्या होगा, 0। अब जो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल है उसमें हमारे पास जो लिमिट है वो हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, तो हमारे पास था कि अगर हमारे पास एक्स डज नॉट बिलोंग टू माइनस ए टू ए देन वो हमारे पास क्या, 0 होगा। यानी कि ये हमारे पास ऑल इंटीग्रल इक्वल हो गया 0 के। अब अगर हम लास्ट इंटीग्रल की बात करें तो उसमें भी हमारे पास जो लिमिट है इंटीग्रल की वो हमारे पास ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, अगेन ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये हमें गिवन है। इसलिए हमने क्या किया है, इसकी पार्टीशन की थी कि हमारे पास इंटीग्रल ईजिली सॉल्व हो जाए। अब जो हमारे पास रिमेनिंग इंटीग्रल है वो हमारे पास है माइनस ए टू ए क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। हमें फंक्शन में गिवन था कि हमारे पास अगर एक्स बिलोंग करेगा माइनस ए टू ए देन हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1, यानी कि हमारे पास जो इंटीग्रल माइनस ए टू ए क्वाड्रेटिक फंक्शन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी ए टू ए क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। अब एक्स ऑफ एक्स की इंडिकेशन हमें पता है कि वो हमारे पास क्या है, 1 है, हमें गिवन है, और हम ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो इंटीग्रल माइनस ए टू ए एक्स ऑफ एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास गिवन था कि हमारे पास 1 के इक्वल होगा अगर हमारे पास इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी ए टू ए है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई, और जब हम ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन ही, तो हमारे पास आ गया ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स, और हमारे पास जो पावर का जो डेरिवेटिव है उसके साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस आयोटा ओमेगा, जिसको हमने क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। अब हमारे पास लिमिट क्या थी, ए टू माइनस ए। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम
लिमिट ए टू माइनस ए पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा वन ओवर स्केल ऑफ टू पाई ए टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए। पहले हमें लोगों ने अपर लिमिट पुट करवाई है, यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस ए और यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस ए, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो सबसे पहले हमने अपर लिमिट पुट करवाई है तो हमारे पास आ गया ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए ओवर माइनस आयोटा ओमेगा माइनस, जब हम लोअर लिमिट पुट करवाएंगे हमारे पास आएगा ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई माइनस ए ओवर माइनस आयोटा ओमेगा। ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएंगे, सही है। उसके बाद हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस आयोटा ओमेगा और माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट टू पाई माइनस, ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में माइनस था ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा माइनस माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए। अब क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू थी तो हमने सिंपली एलसीएम लिया है कि हमारे पास माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए प्लस ई टू पावर आयोटा ओमेगा ए ओवर आयोटा ओमेगा। अब ये हम जब ये जो होल वैल्यू, ये हम जानते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास हाइपरबोलिक फार्मूला है फॉर साइन फंक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में हमें टू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम टू के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी, तो हमारे पास आएगा टू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट टू पाई मल्टीप्लाई माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए प्लस ई टू पावर माइनस ई टू पावर आयोटा ओमेगा ए ओवर टू आयोटा ओमेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ये हमारे पास साइन थीटा का हाइपरबोलिक फार्मूला था तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास टू है और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट, तो इसे हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट टू और डिवाइड बाय में हमारे पास अगेन क्या है, स्क्वायर रूट टू तो ये स्केयर रूट से स्केयर रूट हमारे पास क्या वो कैंसिल हो जाएगा और सिंपली हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट टू ओवर पाई, जिसको हमने होल स्केयर के फॉर्म में लिख दिया कि स्केयर रूट टू ओवर पाई, और हमारे पास इस होल के प्लेस पे क्या आ गया, साइन आयोटा ओमेगा ए ओवर ओमेगा। और हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में ही हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास अगर साइन ऑफ आयोटा थीटा हो तो हमारे पास इक्वल हो जाता है कि आयोटा हमारे पास एंगल से बाहर आ जाता है और हम लिखते हैं कि आयोटा साइन थीटा, तो यही फॉर्म हमने यहाँ पे किए, तो हमारे पास आएगा आयोटा फंक्शन के एंगल से बाहर आ जाएगा, यानी आयोटा मल्टीप्लाई स्केयर रूट टू ओवर पाई साइन ऑफ ओमेगा ए ओवर ओमेगा। तो ये हमारे पास आंसर है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, जिसकी हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया, उसके बाद हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड की क्वाड्रेटिक फंक्शन की। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।